मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 मार्च 2024 को पूरे मध्य प्रदेश में जन संवाद आयोजन पुलिस थानों में आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र के कोकड़ेश्वर पुलिस थाना पर सायं 4 बजे जन संवाद आयोजन आयोजित किया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, कर्मचारीगण, शिक्षकगण, नगर रक्षा समिति के सदस्य व सर्व समाज के अध्यक्षों की उपस्थिति में जन संवाद आयोजन आयोजित किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन व आम जन के बीच में किस प्रकार से आपसी सामंजस्य स्थापित होते हुए नगर व क्षेत्र की रक्षा की जा सके, इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। जन संवाद आयोजन में नगर के जनप्रतिनिधिगण व कोकड़ेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सरपंच गण भी इस आयोजन में उपस्थित थे। सभी उपस्थित जन ने अपने सुझाव इस आयोजन में रखे। जन संवाद आयोजन के तहत नगर सहित क्षेत्र में अमन शांति व अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए आपसी विचार विमर्श व सुझाव रखे गए। वहीं नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे, मनासा SDOP विमलेश उइके, कोकड़ेश्वर थाना प्रभारी जयदीप राठौर ने सभी के सुझाव पे सहमति जताई। जो मध्य प्रदेश शासन के मंशा अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश है कि मध्य प्रदेश के समस्त थानों में जनता से जुड़ने के लिए पुलिस जन संवाद का आयोजन किया जाए, उसी उपलक्ष्य में आज जन संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी और सभी को आमंत्रित करके उनसे सुझाव प्राप्त किए गए हैं कि किस तरीके से क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, और उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ऐसा और क्या क्या कर सकते हैं जिससे क्षेत्र की जनता को हमसे जुड़ाव महसूस हो, कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। हाँ, हमें पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसको हमने नोट डाउन किया है, उस पर हम वर्क करेंगे और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर कार्य करेंगे। ये मीटिंग हम निरंतर करेंगे, जनसंवाद जो है निरंतर करेंगे, अगले महीने इसको फिर आयोजित किया जाएगा और उस पर हम समीक्षा करेंगे कि हमने किन कार्यों को, जो हमें प्राप्त हुए थे, जो सुझाव प्राप्त हुए थे, हम उसको अमल करने में कहाँ तक सफल रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। आज का जो आयोजन हुआ है, क्या इसका रीजन कारण है? आज पुलिस विभाग की तरफ से नगर कोकड़ेश्वर में, जो हमारा कोकड़ेश्वर थाना क्षेत्र है, यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था, पुलिस विभाग की तरफ से, जो PHK की तरफ से आया था, कि आम जनता से संवाद किस प्रकार से स्थापित किया जाए और किस प्रकार से कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए, तो इसी के तहत कोकड़ेश्वर में यहाँ पर जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे इस पूरे थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, सभी सरपंच साहबान उपस्थित रहे, इस नगर कोकड़ेश्वर के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, पत्रकारगण उपस्थित रहे, यहाँ की जो विभिन्न समाज थे उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी से एक सांप्रदायिक सौहार्द माहौल में बातचीत हुई। सभी के जो सुझाव थे उनको आमंत्रित किया गया और उन्हीं के तहत अगला जो जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा उसमें विचार काम करते हुए उनको दूर करने का प्रयास पुलिस विभाग करा जाएगा, ऐसा SDOP साहब के द्वारा कहा गया। आज जो आयोजन हुआ है, क्या लग रहा है कि सार्थक कदम है? ये पुलिस विभाग की तरफ से एक सार्थक पहल है कि प्रक्रिया प्रारंभ तो हुई, प्रारंभ हुई है तो निश्चित ही इसके सफल परिणाम भी आने वाले भविष्य में हमें प्राप्त होंगे।